हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, तो ये रूह फेस्ट का सेकंड पार्ट है। और ये यहाँ से खाने पीने के स्टॉल शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, स्वीटी दी और मम्मी दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है और क्या खाना है। और रजत और भैया कोई सामान देख रहे हैं उस तरफ। खाके आने के बाद हमें ये फ्रूट आइसक्रीम दिखाई दी है और देखिए कितनी सुंदर है ये फ्रूट आइसक्रीम। ये देखिए भैया यहाँ पे इसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह क्रश करके आइसक्रीम बना रहे हैं। और ये देखिए इस तरफ, आप देखिए मेरे पीछे जो है स्टॉल है और यहाँ पर राजस्थान की जो फेमस चीज़ें हैं, यहाँ पर वो बनाई जा रही हैं। मूंग दाल का हलवा, चूरमा, मूंग दाल पकौड़ी, बीकानेरी केसरिया जलेबी, जोधपुरी मावा, स्पेशल प्याज कचौरी, मिस्सी रोटी थाली, राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा, यहाँ पर सभी तरह की जो है डिशेज वगैरह। चार कॉर्नर आई करना, दो या चार स्पेशली राम लड्डू। और मैं आप देखती हूँ कि मुझे क्या खाना है। और इधर मैं देखने आई तो यहाँ पे रोल है और राम लड्डू, पाव भाजी, और अब इनमें से मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या खाना है। की रोटी चूल्हे की, और वो भी देखिए चूल्हा कितने अच्छे से रखा हुआ है और ऊपर इसके साग बनने के लिए रखा हुआ है। एक्चुअली ये चूल्हा जला नहीं रखा, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए लिट्टी चोखा, कितने कराने? एक एक हम दोनों का ही सर। एक प्लेट में कितनी लिट्टी है? एक प्लेट में 200 टिक्की, पाव भाजी। ये गरम है ना? जो फूड है वो है, जैसे कि पंजाब का, हरियाणा का, हर जगह का फूड जो है यहाँ पर अभी मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर स्पेशल चीज़ें भी आई हुई हैं, स्पेशल तरह के जो कपड़े हैं, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, सभी शहरों के, सभी स्टेट्स के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए चिकना कितना है, चिकना कितना है, कोई भी वो नहीं। ये दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ लकड़ी की चीजें और यहाँ पर लकड़ी का क्या क्या सामान बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन सूट हैं। हाँ जी मम्मी, वो जैसे हमारे हैं ना, अच्छा लग रहा ना। हाँ जी ये वाला, ये ऊपर है जो इसका कलर है। हाँ जी मम्मी,
दो ही कलर है इसके, इसके दो ही कलर है। वो भी तो है, वो भी तो है। ये थोड़ी सलवार तो इसकी दे दिए मैंने सारे, हाँ सेम है। पापड़ दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के पापड़ हैं, ऑनियन रिंग्स, गार्लिक पापड़, टोमेटो चिल्ली, लेस कॉर्न पापड़, कसूरी मेथी पापड़ और भी बहुत तरह की नमकीन, और ये पापड़ वगैरह इनके पास हैं। और ये खाखरा, यहाँ मछली दुकान पे ये है मेरी फेवरेट चीज़ें, मुझे ये बहुत पसंद है। ये इस तरह की, देखिए ये जोत, पांच जोतों वाली, सॉरी पांच दीपक वाली, और ये देखिए बेहतरीन एक से एक भगवान की जो है मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और ये जोत हैं अलग अलग तरह की, और ये धूप बत्ती रखने वाले जो जोत होती है ये वो वाली हैं, और लॉक्स हैं, और ये देखिए मछली वाला लॉक बेहतरीन, और ये टांगने वाली सारी घंटियाँ, और देखिए राम सीता और लखन महात्मा बुद्ध गणेश जी देवी माता विष्णु भगवान लक्ष्मी माता कृष्ण राधा हनुमान जी, बहुत ही बेहतरीन। और वो देखिए नटराज, नटराज भगवान की कितनी बड़ी मेटल की एक प्रतिमा है, और पीछे ये राधा कृष्ण देखिए कलरफुल बहुत बेहतरीन। और इस तरफ ये कॉटन के सूट, गुजरात की जैकेट्स, कला जानते हैं और वो अपनी कला जो है वो आस पास बिखेरते रहते हैं। पीर चलाने के सामान खरीदते हुए सबसे बढ़िया शॉल ये वाला था, ये स्टॉल सबसे बढ़िया था। मम्मी कहाँ गई? और ये देखिए फूल, कितने सुंदर फूलों के और ये देखिए देश से ही साड़ियाँ हैं बेहतरीन,
ये जो है इसका प्राइस पूछा। ये जो है ये सारा लकड़ी का सामान है, ये राजा महाराजा के समय के बॉक्सेस। इस तरफ देखिए, इस तरफ ये कप वगैरह हैं। देखिए कितने सारे कप हैं और कितनी की तरह के हैं, और साथ में वो देखिए केतली रखी हुई है पीछे। आपने कभी हैंड वॉश नहीं देखा होगा इस तरह का। ये देखिए, और ये चाइना डिश के बने हुए सारे बर्तन चीनी मिट्टी से बनते हैं जो, ये वो हैं। और उस तरफ देखिए, हर तरफ मतलब, और ये देखिए गमले, ये भी चाइनीज़ मिट्टी के बने हुए हैं। और ये सूट, ये तेलंगाना के हैं सूट। और ये झुमके, कितने सुंदर। हाँ सब 100 रुपये, इधर वाला 150 का 150। इस तरफ ये जो सूट हैं, ये राजस्थानी सूट है। राजस्थान की तो कोई भी चीज़ हो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये इसमें ना देखो प्रिंट के हिसाब से बताया हुआ है कि बागरू प्रिंट है, ये जो होता है ये वनस्पति है, और ये फदत मोडाल। इन ये जो प्रिंट है इनके बारे में मैंने सुना हुआ है। और अब हम मेले से अपने घर की तरफ जाते हुए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।